आंखें खराब यहाँ पे लगता कि तुम्हें सबसे ज्यादा लगता क्यों एक बार बताओ बस है ऐसे ही भाई तुम प्रधान थोड़ी हो यहाँ के यार प्रधान ही हो देखो ना जब मैं खाना बोलता हूँ तो खाना बिड़े करो यार मैं कोई नहीं बिड़ रहा मैं तो बात कर रहा हूँ तू भी मत अड़ियो बताने लग रहा हूँ आज ही परसों मैं चुप हो गया था मैं चलो कोई बात नहीं मैं भी चुप ही था मेरे को जो बात लगी थी मैंने बोल दी थी आप मुझे टोंड मारने लग रहे हो मैं आराम से बैठा था ना तुम आके कह रहे हो जब मैंने कल मुंह पे कह दी तुम्हारे वहाँ पे मुझे नहीं लगते तो नहीं लगते आप कह रहे हो क्यों नहीं लग रहे भाई मेरी मर्जी मेरे को कुछ भी लगे तू क्यों पूछ रहा था कि मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो अरे तो उसमें तो बचाने की चीज थी ना इसमें फैशन में तो वोटिंग हो रही थी उसमें तो बचाने की चीज थी तुम दोनों चीजों को रिलेट भी कैसे कर रहे हो भाई एक बात बताना मेरे को बता रिले ये वाली चीज और वो वाली चीज में कितना डिफरेंस है यार तुम मुझे नहीं लगता ना भाई थोड़ा यूज कर लिया करो यार दिखता नहीं है मेरे को कोई बात नहीं तुझे तो बहुत कुछ भी नहीं दिखता मेरे को सब चीजें दिखती हैं सब आगे पीछे की दिखता है मैं तमतड़ो फालतू फंड में सुबह सुबह भाई आगे बात समझ अच्छा नहीं तो नहीं तो मैं बता दूंगा फिर अच्छी डाल अच्छा बता बताइयो हाँ बात में तो आराम तक कर रहे हो यार फिर तुम कह रहे हो मैं तो कितने आराम से बात कर रहा हूँ तू चिल्ला रहा है तुमने एक एक रात को मैं यहाँ पे था गेट पे तुमने पूछा तुझे मैं 40 नहीं लगता मैंने बोल तो दिया नहीं लगते भाई तूने मुझसे पूछा कि मुझे तुम घर से बाहर भेजना चाहते हो मैंने बोला हाँ तो देख अब मुझे भी उम्मीद थी सुन बाहर भेजने में और फैशन में कितना डिफरेंस है तो भाई नहीं लगता ना मुझे कि तू घर में डिजर्विंग है इसलिए मैं बाहर भेज रहा था ठीक है सुन तो लिया था फिर उसको दोबारा क्यों उठा रहे हो मैंने सुन लिया था मेरा ओके हो गया तो फिर अब मैंने भी तुझसे पूछ लिया जैसे तूने मुझसे पूछा मैंने बोला भाई मैं तुम्हें कपड़े वाला नहीं लगता तूने बोला नहीं तो फिर दोबारा क्यों पूछ रहा है आज का अरमान जी थोड़े क्या हुआ अरमान भाई मुझे भी बताइए मुद्दा क्या है आज का मुद्दा कुछ नहीं है हम तो वैसे प्यार मोहब्बत में बैठे प्यार मोहब्बत तो नहीं लग रहा था मुझे इस घर में नहीं है वैसे तो बैठे बट ये प्यार मोहब्बत नहीं है मुद्दा क्या था वो तो बताओ चलो हम ऐसे ही टोंटबाजी में बैठे थे मैं यहाँ से जा रहा था आवाज शाना मकबूल कहते हैं मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड कुछ ऐसे ही था इंग्लिश में आज तक हमारा शी इज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड आई थिंक नो ही इज लुकिंग नाइस आई कॉम्प्लीमेंटेड ही एंटर्ड आई मैंने उनको बोला द मोस्ट स्टाइलिश मैन इन द हाउस मैंने ऐसे बोला ही इज थिंकिंग मैंने टोंट मारा तो मैंने बोला आज आप अच्छे लग रहे हो तो ये आके बोलते तूने मुझे नहीं तुझे कल रात को नींद नहीं आई होगी तो मैंने बोला क्यों मैं तो सबसे पहले सो गई तो बोलते नहीं लगता खटक रहा होगा ना मैंने कहा भैया क्या है फिर हमारी बहस शुरू होगी मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो मैं सीरियसली बताओ अच्छे लगोगे तो अच्छे बोलूंगी बुरे लगोगे तो मैं बुरा भी बोलूंगी दोनों सुन लेंगे प्लीज मैं हूँ मैं बहुत ब्लंट हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता शायद हम भी ब्लंट ही हैं फिर वहाँ से वो फिर मेरे पे से खत्म हुआ इनका मुद्दा तू पूछ रहा ना फिर वो इधर आ गए तुमने जो वीकेंड पहना था मुझे अच्छा लगा पर मुझे तो मतलब मेरा टेस्ट है ना भाई मैंने यही तो बोला कटारिया कि सब दिखता भाई आपको क्या पता मेरे को क्या दिखता नहीं दिखता मेरी आंखें मैं कुछ भी देखूं साड़ा देखते रहो किसने मना किया तो फिर क्यों कह रहे हो कि तेरे को सैड मेरी नजर से लगता तुझे दिखता नहीं घूम फिर के एक ही नाम एक ही चीजें एक ही कपड़े आप तुम दो पॉजिटिव बात बोल रहे हो कि तेरे को सैड का नहीं दिखता अच्छा दिखता है ये बोल रहे हो तुम इतना हाइपर क्यों है भाई तू भी करता है वैसे ऑपोजिट बातें ठीक है सबको पता कौन कितने अपोजिट करता हम तो एक ही चीज पे चले सदा से क्या चीज हमारा पॉइंट है जो है क्या चीज है कुछ भी हो सही चीज है चलो अच्छी बात उसी पे रहना चाहिए वो निकाल दिया कुकर से।